ओके सो सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझे लग रहा है बच्चे लोगों को थोड़ा सा डाउट रहा रहेगा वो ये है कि 1 + i का रेस टू -3 दिया है, 1 + i का रेस टू -3 दिया है। सो 1 + i रेस टू -3 दिया है, तो ये हो जाएगा 1/1 + i का क्यूब। समझ गया? ठीक है, ओके। तो आज मैं तुम लोगों को एक ऐसा चीज सिखाता हूं जिससे आपका कैलकुलेशन, कोई भी बड़ा रहने दो, कोई भी नंबर बड़ा रहने दो पावर का, आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो मैं आपको सिखाता हूं, उसे हम कहते हैं पास्कल ट्रायंगल, उसे हम कहते हैं पास्कल ट्रायंगल। फटाक से कैलकुलेशन हो गए, जरूरत नहीं पड़ेगा ज्यादा सोचने का, फॉर्मूला लगाओगे, क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों को 1 + i का रेस टू 4 भी दिया हो, तो क्या करेंगे? बिकॉज 1a + b का क्यूब तक आपको फॉर्मूला आता है, बट 1 + i^4 तक का फॉर्मूला नहीं आता। ठीक है, 1 + i^5 का फॉर्मूला नहीं आता। उसके लिए ट्रिक है बाइनोमियल थ्योरम, जो आप अभी पढ़ेंगे 11th स्टैंडर्ड में। ठीक है, और बाइनोमियल थ्योरम से भी एक एक प्रॉपर शॉर्टकट निकला हुआ है जिसे हम लोग कहते हैं पास्कल ट्रायंगल, तो वो मैं आपको सिखाऊंगा। सबका ध्यान मुझे यहाँ पे चाहिए क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके शॉर्टकट्स टू JEE के लिए भी, शॉर्टकट्स टू योर CET। ठीक है, ओके, शॉर्टकट के लिए वो बहुत हेल्पफुल रहता है, तो सब लोग का ध्यान मुझे यहाँ पे चाहिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूं पास्कल ट्रायंगल। ठीक है, ये देखो इसका है ना पास्कल ट्रायंगल बोलते हैं, तो ट्रायंगल फॉर्म होने वाला है शेप, और पास्कल ने बनाया इसलिए पास्कल। ठीक है, तो अभी देखो पास्कल मैथमेटिशियन है। हाँ, ठीक है, तो ये क्या होगा, देखो 1, 1, 2, 1 आपको दिख रहा है, मैंने 1 लिखा फिर 1, 2, 1 लिखा। ओके, ये शॉर्टकट बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग ध्यान दो, समझ लो। अभी से मैं आपको शॉर्टकट वगैरह सिखा रहा हूं, ऐसे बहुत सारे शॉर्टकट है JEE और CET के, एक नंबर है। हाँ, चलो यहां देखेंगे 1, 1, 2, 1, तो जहां पर भी गैप है ना उसके नीचे आएगा सब, तो ये हो जाएगा 1। फिर ऐड करेंगे, ये 2 + 1 = 3, ये 2 + 1 = 3 और ये 1। ओके ओके, फिर उसके बाद ये हो जाएगा 1 + 3 + 1 = 4, ये हो जाएगा 6 + 4 = 1, उसके मिडल में आएगा लेकिन एडिशन रहेगा, जहां पर भी मिडल आएगा उसके नीचे। जैसे भी यहां पर है 1, ये हो जाएगा 5 10 10, है ना, 6 + 4 6 + 4, 4 + 1 = 5 और ये 1। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है और ये बढ़ता जाएगा, इट्स अप टू यू। तो इसको अप्लाई कैसे करेंगे, तो पहले हमारे पास, हमने जो फॉर्मूला रट्टा मारा था बचपन में, ठीक है, 10-12 हजार साल पहले, वो क्या था, a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे देखेंगे a + b का होल स्क्वायर क्या है, a + b का होल स्क्वायर इज a² + 2ab + b², तो ये a² + 2ab + b², समझ आ गया तुम लोग को, सबको समझ आ रही है, मैंने क्या किया है, a + b का होल स्क्वायर, तो हो गया a² + 2ab + b². अभी यही फॉर्मूला जो आपने रट्टा मारा है वो हम लोग पास्कल ट्रायंगल से भी करेंगे, आपको टेक्निक बताऊंगा, फिर वो जितना भी पावर रहेगा आपको आ जाएगा। इज दैट क्लियर? सबका ध्यान मुझे यहाँ पे चाहिए, सब लोग जाग रहे हैं ना, बी एनर्जेटिक, सबके अंदर एनर्जी चाहिए, मैंने क्या बोला, मिलके मचाएंगे, है ना। तो यहां देखो ये क्या हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर = 2। अभी मैं अकॉर्डिंग टू पास्कल ट्रायंगल जाऊंगा, तो 2 मतलब ये, तो ये पावर 2 के लिए है, फॉर पावर, पावर 2 के लिए, ये 3 के लिए, ये 4 के लिए, 5 के लिए, ठीक है, 2, 3 का 4 का 5 का पावर का है। तो अभी 2 का पावर कौन सा है, ये वाला। तो देखो कैसे करेंगे, पहले a + b का होल स्क्वायर है, आप बोलोगे ये आता है तो क्यों सिखा रहे, तो टेक्निक सीखने के लिए बड़ा पावर के लिए आ जाएगा, चलिए ये सीख लो फिर बड़ा पावर सिखाता हूं। तो ये क्या होगा, a + b का होल स्क्वायर, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा a² पहले है ना, a² फिर a लिखेंगे, ओके, a² फिर a लिखेंगे, a² a, फिर खत्म, मतलब कैसा होगा, ऐसे डिक्रीज होगा, तो ये क्या हो जाएगा, a² a^2 1 a^2 0 1 ओनली, तो वहां पे मैं नहीं लिखूंगा, a^2 0 मतलब 1 होता है। फिर वहां से मैं b है ना, b उसको ऐसा डिक्रीज करूंगा, यहां से ऐसे डिक्रीज कर रहा था और वहां से उसको ऐसा डिक्रीज करूंगा, तो ये हो जाएगा b² b और b^2 0 1 ओनली,
फिर हम लोग पावर टू है ना, उसका क्या नंबर है? तीन नंबर है। क्या क्या है? वन टू वन। तो यहां पर वन, ये टू और ये वन, ये देखो सेम है, ये देखो सेम है। मैं आपको वापस से रिपीट करता हूं, देखो ये फॉर्मूला हम लोग को पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अभी इसको क्या करेंगे, जो पहला टर्म है ना उसका पावर टू है, तो पावर टू से स्टार्ट होकर ऐसा डिक्रीज करेंगे। दूसरा टर्म भी है ना, तो उसको ऐसे डिक्रीज करेंगे पावर के हिसाब से जितना पावर दिया रहेगा। ओके, और सिर्फ टू का है तो टू का है वन टू वन, तो वन वन में लिखू या नहीं लिखू फर्क नहीं पड़ता यहां पर, टू वन। ओके ओके, तो इसीलिए ए स्क्वायर आया फिर ए आया। अब मैं ना ए प्लस बी रेस्ट टू फोर करके देता हूं, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। देखो सबका ध्यान मुझे यहां पे चाहिए, ए प्लस बी रेस्ट टू फोर का क्या होगा, क्या होगा? ए का पावर फोर, ए का पावर फोर से स्टार्ट होगा है ना, ए का पावर फोर से स्टार्ट होगा, डिक्रीज होगा, तो ये हो जाएगा ए क्यूब, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा खत्म, है ना। फोर थ्री टू ए रेस टू वन और ए रेस टू जीरो होगा, इज दैट क्लियर? ओके, फिर अभी बी को ऐसे डिक्रीज करेंगे, तो ये हो जाएगा बी रेस टू फोर से स्टार्ट करेंगे क्योंकि फोर पावर है, ये हो जाएगा बी क्यूब, ये हो जाएगा बी स्क्वायर, ये हो गया बी, ये हो गया खत्म। सिंपल, ए को ऐसे डिक्रीज किया, बी को ऐसे डिक्रीज किया, हो गया। अब हम लोग फोर है ना, तो फोर के में जाएंगे, फोर किधर है, ये है, तो वन फोर सिक्स फोर वन, तो वन में लिखू फर्क नहीं पड़ता, फोर सिक्स फोर, तो यहां पर आएगा फोर सिक्स फोर और ये वन और ये वन, समझा? यहां पे वन वन, फोर फोर, सिक्स सिक्स, फोर यहां पर, फिर ये वन, इज दैट क्लियर? और ये प्लस है बच्चों, ये प्लस है, तो सब प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस 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 प्लस। अब आप बोलोगे सर अगर बीच में माइनस रहेगा तो क्या करेंगे, हवन करेंगे? नहीं, यहां देखो क्या करेंगे, मैं आपको बताता हूं, प्लस है तो ये इधर उधर माइनस हो गया, तो अल्टरनेट प्लस माइनस आएगा, अल्टरनेट प्लस माइनस, मतलब प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, समझा? समझा, ये देखो मतलब अल्टरनेट प्लस माइनस, मतलब स्टार्ट तो प्लस से ही होगा और पहला टर्म प्लस ही है, तो दूसरा टर्म क्या होगा? माइनस, फिर प्लस है उसके बाद माइनस, समझा क्या? अल्टरनेट प्लस माइनस, तो प्लस से स्टार्ट होगा फिर माइनस प्लस माइनस, ये टर्म को काउंट करने का मालूम पड़ा, इसको प्लस रखा उसको माइनस कर दिया, गया पूरा मार्क्स गया, समझा क्या? ठीक है, तो यहां पर ए प्लस बी का रेस टू फोर मैंने आपको सिखाया है कैसे करने का, जो भी पावर है ए रेस टू फोर से स्टार्ट हो गया ऐसे डिक्रीज किया, ठीक है, यहां पर बी पावर का रेस टू फोर से ऐसे डिक्रीज किया, ठीक है, दोनों डिक्रीज हो गए और फोर वाला उठा के रख दिया, तो वन फोर सिक्स फोर वन, और अगर प्लस है तो सब में प्लस आएगा, लेकिन अगर माइनस है तो अल्टरनेट प्लस माइनस, तो ये प्लस, पहला टर्म तो प्लस ही रहेगा, इसको भूलना मत, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो अगर मैं ए प्लस बी का पावर है स्क्वायर और मैं इधर अगर माइनस ले लेता हूं, तो हम लोग क्या करते हैं, अल्टरनेट प्लस माइनस, तो प्लस माइनस और प्लस, खत्म हो गया टर्म, टर्म ही खत्म हो गया, समझा? समझा, एक बार मुझे बता देंगे कि पास्कल ट्रायंगल समझा या नहीं, ठीक है? ठीक है, मैं एक बार मांगता है तो मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं, पास्कल ट्रायंगल कैसे आया पहले समझ लो, जो लेट ज्वाइन हुए हैं, लेट आने का नहीं, एकदम टाइम पे आने का, ऐसा नहीं करने का कि फ्री एजुकेशन है तो अपने मन के हिसाब से चलो, जो टाइम है उस टाइम पे आओ, हम लोग चाहते कि आपको स्टार्ट टू एंड एकदम मैक्सिमम चीज आपको सिखाए, ये चैप्टर चाहता तो मैं कब तक खत्म कर देता था, ऐसे यू यू नहीं, थोड़ा टाइम लगता था बट हो जाता था, बट स्टिल मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि अगर हम लोग पढ़ा रहे हैं तो टाइम पे लेक्चर बैठो और टाइम पे लेक्चर लेफ्ट करो, कोई कोई पांच दस मिनट पहले लेफ्ट करता है, ठीक है, लास्ट टाइम मैंने एक और चीज बताया था एंड में जो छोड़ के चले गए थे, तो उन लोगों को वो मिस हो जाएगा, इसलिए बोलता हूं अच्छे से बैठो, प्रॉपर फोकस रखो, ठीक है, इतना मॉर्निंग टाइम रखा है, मॉर्निंग उठते हो बहुत अच्छी बात है, तो अगर आप मॉर्निंग उठते हो तो उसका बेनिफिट भी होना चाहिए, और मॉर्निंग इज द बेस्ट टाइम टू स्टडी, ठीक है, बिकॉज आप सो के उठते हो तो माइंड एकदम फ्रेश रहता है, आपने सुना रहेगा, है ना। बट स्टिल अगर मैं आता हूं यहां पर पास्कल ट्रायंगल पे, तो देखो क्या होगा, वन वन टू वन मैंने लिखा पहले, फिर वन ऐसे लिखूंगा और टू प्लस वन थ्री, इधर बीच में थ्री, बीच में वन, ये वन, थ्री प्लस वन फोर, थ्री प्लस थ्री सिक्स, थ्री उसके बीच में लिखने का, दो जो मैंने नंबर्स लिखे उसके बीच में लिखा है, ऐसे करके ट्रायंगल बनता जाएगा, ये वन फोर प्लस वन फाइव, ये हो गया टेन,
ये हो गया 10, ये हो गया 5, ये हो गया 1। और फिर a प्लस माइनस बी का स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो मैंने अगर मैं ये बताऊंगा तो ये ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर ए और खत्म, खत्म मतलब ए रेशियो 0 इज 1, इसलिए खत्म। तो ए स्क्वायर से डिक्रीज हुआ, बी स्क्वायर से डिक्रीज हुआ, पावर एक 2 है तो 2 वाला उठा के रख दिया। इज दैट क्लियर? a प्लस b रेस टू 4 है तो a रेस टू 4, a रेस टू 3, ऐसा ऐसा क्या होगा, क्या होगा, ऐसा डिक्रीज होगा, ठीक है। a रेस टू 4, a रेस टू 3, a स्क्वायर, a स्क्वायर के बाद a और फिर a रेस टू 0, मतलब वहां कुछ लिखने का नहीं क्योंकि वो 1 ही होता है, इसीलिए a रेस टू 4 क्यूब स्क्वायर a खत्म। फिर वहां से जहां पे खत्म हो रहा है a रेस टू 0, वहां से b रेस टू 4 स्टार्ट करेंगे, 4 क्यूब स्क्वायर b खत्म, और फिर पावर 4 है इसलिए 4 का उठा के रख देने का, तो 4 का 1, 4, 6, 4, 1। अब प्लस अगर बीच में है इधर तो सब प्लस, अगर माइनस है तो प्लस माइनस प्लस माइनस। समझा, समझा सबको? 1 अपॉन, अब ये क्यूब लगाने का है तो ज्यादा सोचने का नहीं, ठीक है। मैं क्या करूंगा, 1 से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो बट ये डायरेक्ट आएगा, ठीक है। तो ये हो गया 1 का क्यूब, तो ये हो गया 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस, खत्म, ठीक है। 1 को ऐसे डिक्रीज किया, अभी i को लेंगे तो i इज टू क्यूब i स्क्वायर i, खत्म, ठीक है। और 3 वाला है तो 3 वाला क्या था, 1 3 3 1, तो ये हो जाएगा 3, है ना, ये हो जाएगा 3 और ये 1। सिंपल सिंपल, समझ में आया, समझ में आया। वापस से बताता हूं, वापस से बताता हूं, देखो देखो यहां पर सब लोग, ठीक है। ये हो गया 1 का क्यूब प्लस फिर 1 का स्क्वायर, है कि नहीं, 1 का क्यूब प्लस फिर 1 का स्क्वायर प्लस फिर ये 1, है ना, फिर यहां पर प्लस और फिर यहां पर 1, खत्म हो जाएगा। पहला टर्म ऐसे डिक्रीज होगा, फिर उसके बाद दूसरा टर्म ऐसे, तो ये हो जाएगा आई का क्यूब फिर आई का स्क्वायर फिर आई और फिर आई भी खत्म हो गया, और पावर का क्या है, 3 है, पावर 3 है तो 1 3 3 1। आप अगर फॉर्मूला लगाएंगे ना तो यही आने वाला है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन, ये हो जाएगा 1 प्लस 3, 1 का स्क्वायर और ये हो गया 3i, ये हो जाएगा 3i स्क्वायर और ये हो जाएगा i क्यूब। इज दैट क्लियर? ओके, तो ये क्या होगा, 1 अपॉन 1 प्लस 3i, ये हो जाएगा 3i स्क्वायर, मतलब 3i स्क्वायर का वैल्यू माइनस 1 प्लस आई क्यूब का वैल्यू इज माइनस आई। मैंने आपको बोला याद रखना है, आपको मैंने आपको बोला आपको याद रखना है, आपको याद रखना है, क्या है, क्या है, यहां पे लिख देता हूं कॉम्प्लेक्स नंबर एकदम ऊपर, आई स्क्वायर इज माइनस 1, आई क्यूब इज माइनस आई, आई रेस टू 4 इज 1, खत्म, ठीक है। ओके, तो यहां पर आपने देख लिया कि आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस 1 मैंने ले लिया, I क्यूब का वैल्यू माइनस आई मैंने ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस 3i माइनस 3, है ना, माइनस प्लस माइनस 3 और ये हो जाएगा माइनस i, तो इससे क्या होगा, ये 1 अपॉन, ये हो जाएगा 1 माइनस 3 इज माइनस 2 एंड प्लस 3i, प्लस 3i माइनस i इज प्लस 2i। समझ गया, समझ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको नीचे i नहीं होना चाहिए, मैंने आपको क्या सिखाया था, डिनोमिनेटर में आए नहीं होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, उसका कॉन्जुगेट लेने का, वो रियल टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस टू कॉन्जुगेट, तो माइनस टू ऐसे कैसे, माइनस टू आए अपॉन माइनस टू आई लेंगे, समझ गया, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, उससे ये होगा कि ऊपर आएगा माइनस टू आई अपॉन, ये हो जाएगा एक, ये हो गया एक, है ना, ये हो गया एक, ये आपका a है, ये आपका b है, तो a है माइनस टू और b है 2i, यहां पर a है माइनस टू और b है 2i, तो ये हो गया a प्लस b, a माइनस b। तो मैं क्या करूंगा, इसको ऐसा लिखूंगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a, क्योंकि माइनस टू है, और b स्क्वायर मतलब ये होगा 2i का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा
तो ये हो जाएगा माइनस टू आई, तो जाएगा माइनस टू आई अपॉन, ये हो जाएगा माइनस टू का स्क्वायर फोर माइनस, ये हो जाएगा फोर आई स्क्वायर, है ना, ये टू का स्क्वायर फोर और ये आई स्क्वायर। तो अब ये क्या होगा, माइनस टू आई अपॉन फोर माइनस फोर इंटू माइनस वन आई स्क्वायर का वैल्यू, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस टू आई बाय एट, बिकॉज ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो फोर प्लस फोर एट हो गया, तो ये अलग करेंगे माइनस टू बाय एट माइनस टू बाय एट आई, इज दैट क्लियर, ओके। तो ये हो जाएगा माइनस वन बाय फोर माइनस वन बाय फोर आई, सो देयर फॉर अगर मैं इसको ध्यान दू तो ए का वैल्यू जो मुझे आया है, ए का वैल्यू जो मुझे आया है ओके वो है, ये ए का वैल्यू है ए इज इक्वल टू माइनस वन बाय फोर, एंड बी का वैल्यू भी वही है, बी का वैल्यू भी वही है माइनस वन बाय फोर, समझा क्या, समझा क्या, ठीक है ठीक है। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इलेवन प्लस टू रूट थ्री आई अपॉन, ये हो जाएगा सिक्स नाइनटीन, तो ये हो जाएगा इलेवन बाय नाइनटीन प्लस टू रूट थ्री बाय नाइनटीन आई, सो देयर फॉर ए का वैल्यू इज इलेवन बाय नाइनटीन एंड बी का वैल्यू इज टू रूट थ्री बाय नाइनटीन, समझा क्या, समझा क्या, एकदम इजी, एकदम इजी, इज दैट क्लियर, एकदम इजी है। माइनस वन प्लस रूट थ्री आई का क्यूब इज अ रियल नंबर, ये हम लोग को प्रूफ करना बच्चों, ठीक है, शो दैट एस टी, ठीक है, शो दैट। तो सबसे पहला सॉल्यूशन में क्या आएगा, आपको इसका क्यूब करना है, तो माइनस वन प्लस रूट थ्री आई का क्यूब, ध्यान देंगे इसमें ए है आपका माइनस वन और बी है आपका रूट थ्री आई, तो उस हिसाब से हम लोग ये करेंगे, ठीक है। तो हम लोग को तो टेक्निक पता ही है, माइनस वन का क्यूब ऐसा डिक्रीज करेंगे, तो माइनस वन का क्यूब माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन, है ना, और उसके बाद खत्म, है ना, क्यूब स्क्वायर माइनस वन उसके बाद खत्म इधर पे, ठीक है, तो हो गया प्लस, उसके बाद रूट थ्री आई को ऐसे डिक्रीज करेंगे, तो हो जाएगा रूट थ्री आई का क्यूब, फिर रूट थ्री आई का स्क्वायर, फिर रूट थ्री आई और फिर खत्म, ठीक है, ओके। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, थ्री वाला है तो पावर थ्री मतलब वन थ्री थ्री वन, तो ये हो जाएगा वन थ्री थ्री वन, है कि नहीं, ठीक है कि नहीं, तो ये हो गया आपका प्लस प्लस प्लस, इज दैट क्लियर, ओके, दिख रहा है क्लियर, थोड़ा सा कचरा हो गया है, ठीक है, तो मैं वापस से लिख देता हूं, ओके, मैं वापस से लिख देता हूं, ठीक है। यहां पर अगेन माइनस वन का क्यूब ऐसे डिक्रीज करेंगे, तो हो जाएगा माइनस वन का क्यूब, उसके बाद माइनस वन का स्क्वायर, उसके बाद माइनस वन, उसके बाद खत्म, फिर उसके बाद क्या आएगा, रूट थ्री आई का क्यूब, है ना, रूट थ्री आई का क्यूब, तो वो ले लेंगे रूट थ्री आई का क्यूब, तो ये हो जाएगा रूट थ्री आई का क्यूब, फिर यहां पर रूट थ्री आई का स्क्वायर, फिर यहां पर रूट थ्री आई और फिर खत्म, है ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि पावर थ्री है तो वन थ्री थ्री वन, और ये हो जाएगा प्लस प्लस प्लस, इज दैट क्लियर, ओके ओके। तो अभी हमारे पास सब अवेलेबल है, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस वन हो जाएगा माइनस वन का क्यूब प्लस थ्री इंटू, ये तो हो जाएगा वन और ये हो जाएगा रूट थ्री इंटू आई, ये हो जाएगा प्लस थ्री माइनस वन, तो ये हो जाएगा माइनस वन और ये हो जाएगा रूट थ्री का स्क्वायर इज थ्री और ये हो जाएगा आई स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट थ्री मतलब रूट थ्री का क्यूब मतलब थ्री रूट थ्री, रूट थ्री इज रूट थ्री इंटू रूट थ्री इंटू रूट थ्री, तो रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री हो गया, थ्री रूट थ्री बचेगा और ये आई क्यूब, आई क्यूब, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस वन प्लस थ्री वन जा थ्री, ये हो गया थ्री रूट थ्री आई, ये हो जाएगा माइनस माइनस थ्री थ्री जा नाइन, ओके, ये हो जाएगा माइनस थ्री थ्री जा नाइन आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन प्लस, ये हो जाएगा थ्री रूट थ्री आई क्यूब इज माइनस आई, आई क्यूब इज माइनस आई, ये हो जाएगा माइनस वन प्लस थ्री रूट थ्री आई माइनस माइनस प्लस नाइन और ये हो जाएगा माइनस
थ्री रूट थ्री है ना, ये हो जाएगा थ्री रूट थ्री आई। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों हो गया कैंसल, तो माइनस वन प्लस नाइन इज एट, एट इज अ रियल नंबर है क्या? यस यस इट इज अ रियल नंबर। शो दैट माइनस वन प्लस रूट थ्री आई का क्यूब इज अ रियल नंबर। मैंने वो प्रूफ करके बता दिया इट इज अ रियल नंबर। एट क्या है? रियल नंबर है ना, एट रियल नंबर है कि नहीं? चलो तो और हम लोग सम्स, अभी हम लोग ये हो गया, अभी आए वाले सम्स करेंगे। सब लोग ध्यान देंगे, ओके सब लोग ध्यान देंगे, सबका रिप्लाई चाहिए मुझे यहां पर, ठीक है? सबका रिप्लाई चाहिए मुझे कि समझ रहा है या नहीं। यस यस अमेजिंग, ओके एक्सेलेंट, ठीक है ठीक है। ओके तो अभी ये होने के बाद गाइस, ये होने के बाद हम लोग क्या करेंगे देखो, अभी हम लोग आय का सीखते हैं, ठीक है ओके मेरी बात ध्यान से सुनेंगे सब लोग। मैं वापस से देखो यहां पे दिया है मैंने आय, आय को आय ही रखते हैं हम लोग, अंडर रूट ऑफ माइनस वन उसका वैल्यू, बट आय रखने का, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या? माइनस वन, आई क्यूब इज माइनस आय एंड आई रेस टू फोर इज वन। ओके तो मैं यहां पर क्लियर आऊं, आई रेस टू सिक्सटीन। अब आई रेस टू सिक्सटीन आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है मैं दोनों तरीका आपको बताता हूं। आई रेस टू सिक्सटीन आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक आप आई रेस टू फोर का फोर ले लो, एक ही बात है ठीक है। अगर आप आई रेस टू फोर का फोर लेते हैं तो क्या होगा, ये हो जाएगा आई रेस टू फोर होता वन, वन रेस टू फोर इज वन। दूसरा तरीका ये है कि आई स्क्वायर के टर्म्स में लो, स्क्वायर के टर्म्स में लो, तो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या है? माइनस वन रेस टू एट इज ऑलवेज वन। समझ गया समझ गया। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर यही होता आई रेस टू सेवनटीन, आई रेस टू सेवनटीन तो आप इसको कैसे लेते थे? अगर फोर के टर्म्स में सॉल्व करते, फोर के पावर में सॉल्व करते तो आप कैसे लिखते थे? आई रेस टू फोर का फोर इंटू आई होता था, क्योंकि ये फोर फोर सिक्सटीन हो जाता था, इंटू बेस, देखो बेस सेम होना चाहिए तभी पावर एड होता है, ठीक है ये फोर फोर सिक्सटीन हुआ और इधर वन है इसीलिए सेवनटीन। अब ये क्या होगा? अब ये हो जाएगा, यहां पर लिखता हूं आई रेस टू फोर इज वन रेस टू फोर इंटू आई, आंसर इज आई। लेकिन अगर मैं पावर टू के हिसाब से जाता हूं, मैं पावर टू के हिसाब से आई स्क्वायर स्क्वायर और ये एट इंटू आई बचेगा, आई का स्क्वायर इज माइनस वन रेस टू एट इंटू आई और फिर ये हो जाएगा वन इंटू आई, आंसर इज आई। इज दैट क्लियर? तो आप अगर आई स्क्वायर के टर्म्स में करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिफरेंस इतना है कि जब आप आई स्क्वायर ले रहे हो तो उसका वैल्यू माइनस वन होगा और जब आप आई लेते हो, आई रेस टू फोर लेते हो तो आई रेस टू फोर वन होता है, यही डिफरेंस है। तो आप कुछ भी करो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अगर मैं एक और एग्जाम्पल ले लेता हूं, एक और एग्जाम्पल ले लेता हूं, आई रेस टू नाइनटीन, ध्यान देंगे सब लोग, आई रेस टू नाइनटीन मतलब क्या हो गया? आई रेस टू फोर, फोर के टेबल में फोर फोर का सिक्सटीन जाता है, ठीक है तो मैंने फोर लिखा, जितना भी रिमाइंडर बच रहा है वो आपका हो जाएगा आई क्यूब। समझ गया? ऐसे करना है आपको सॉल्व। अभी मैंने तो छोटा नंबर लिया है, बड़े बड़े नंबर्स भी है, इज दैट क्लियर? आप उसको टू से डिवाइड करो तो भी चलेगा, आप फोर से डिवाइड करो तो भी चलेगा, लेकिन आई रेस टू फोर रहेगा तो आई रेस टू फोर वन होता है। अगर आप टू से डिवाइड करें, टू के पावर में ला रहे तो आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन होगा, ये ध्यान में रखना है बस। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वन रेस टू फोर इंटू आई क्यूब। अब मुझे पता है वन रेस टू फोर मतलब ये वन हो गया और आई क्यूब का वैल्यू मुझे पता है माइनस आए, तो मैंने लिख दिया माइनस आए, आंसर आ गया माइनस आए। लेकिन अगर मैं इसको पावर टू के हिसाब से करता तो ये क्या होता था? आई स्क्वायर पावर टू के हिसाब से, आई स्क्वायर। सब लोग का ध्यान, सबके अंदर एनर्जी चाहिए, मैंने क्या बोला? मिलके मचाने का है तो मचाने के लिए ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है? आई स्क्वायर, आई स्क्वायर ये हो जाएगा आई स्क्वायर, इधर हो गया टू एट जा सिक्सटीन, टू नाइन जा एटीन, तो मैं यहां पे लिखूंगा टू नाइन जा एटीन, टू के पावर में है ना, तो रिमाइंडर वन बचेगा, तो मैंने लिखा यहां पर आई। अभी ध्यान देंगे तो ये हो जाएगा माइनस वन का रेस टू नाइन इंटू आई, तो माइनस वन का रेस टू नाइन, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, अगर
अगर माइनस वन का इवन होता है तो वन होता है, लेकिन माइनस वन का अगर ऑड नंबर होता है तो माइनस वन होता है, ये तो पता ही होगा। माइनस वन का स्क्वायर वन होगा, माइनस वन का क्यूब माइनस वन हो जाएगा, समझा क्या? तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वन का रेस टू नाइन विल बी माइनस वन एंड दिस इज आई आई और ये हो गया माइनस आई। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ठीक है, ठीक है। सो डिपेंड करता है आप उसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं और कुछ नहीं। इज दैट क्लियर? सो कीप वन थिंग इन योर माइंड, इफ इट इज आई टू फोर देन विल बी टेकिंग वन एंड इफ इट इज आई स्क्वायर इफ यू आर डिवाइडिंग इन टर्म्स ऑफ टू, ठीक है, डिविडेंड इज टू, ठीक है, तो आपका आई स्क्वायर हो जाएगा माइनस वन और फिर उसके बाद तो आपको पता है क्या करना है। ये तीन एग्जाम्पल मैंने आंखों के सामने इसलिए आपके रखा है क्योंकि अगर एक भी रिमाइंडर नहीं बचेगा तो कैसे होगा, अगर एक रिमाइंडर बचता है तो कैसे होगा और अगर तीन बचता है तो कैसे होगा। इज दैट क्लियर? ओके ओके, समझ गया सबको? अरे बेटा ये माइनस आई क्यों आया, क्योंकि आप आई को डिवाइड कर रहे हैं ना। अभी मैं बोलूंगा आई स्क्वायर है तो मैं आई स्क्वायर को आई इंटू आई लिख सकता हूं, अगर क्यूब है तो आई इंटू आई लिख, 34 होता है तो एक बच रहा है तो इंटू आई, तो आई स्क्वायर मतलब माइनस वन का 17 इंटू आई और माइनस वन का ऑड नंबर है मतलब ये आने वाला माइनस वन इंटू आई, आंसर है माइनस आई, समझ गया। दूसरा क्वेश्चन है आई ट्रिपल एट है, ठीक है, तो मैं इसको क्या कर सकता हूं, आई स्क्वायर और टू से डिवाइड कर दूंगा, तो टू से जब डिवाइड करूंगा तो कितना होगा, 4 4 4। अब आई स्क्वायर क्या होता है, माइनस वन, 4 4 4। अब माइनस वन का पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव बोल रहा हूं, इवन नंबर है, इवन नंबर, तो क्या होगा माइनस वन का 4 4 4, 1 आने वाला आंसर, समझ गया। आई रेस टू 95 क्या होगा, आई स्क्वायर टू से डिवाइड कर दो इसको, स्क्वायर वाला करेंगे तो भी चलेगा, रेस टू फोर वाला करेंगे तो भी चलेगा, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो आई रेस टू 95 है तो 2 इंटू ये हो जाएगा 4, है ना, कितना बच रहा है, 2 4 8 1 5, 2 7 14 47 हुआ, लेकिन 47 into 2 is 94, एक आई बचेगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वन रेस टू 47 इंटू आई, माइनस वन रेस टू 47 का मतलब क्या हो गया, मतलब ये ऑड नंबर है, जो माइनस वन के ऊपर है वो ऑड नंबर है, तो ये माइनस वन ही रहेगा इंटू आई, आंसर इज माइनस आई, समझ गया। अब समझा ये कैसे सॉल्व करना है आई वाले सम्स, तो अभी एक सम लेते हैं हम लोग जो आपको सॉल्व करना है, चलो चलो अभी ये वाला सम करेंगे, ठीक है, तो सबका ध्यान मुझे यहां पे चाहिए, सबका ध्यान मुझे यहां पे चाहिए, ठीक है ठीक है। देखो क्या होगा, देखो 4 i raise to 8 मतलब मैं क्या करूंगा, 4 आई स्क्वायर का 2 4 8 माइनस 3 ये हो जाएगा आई स्क्वायर का 4 ले लूंगा 4, तो कितना होगा 8 होगा, एक बच जाएगा तो एक मैंने आई ले लिया, प्लस ये हो गया आपका 3 और ये अपॉन अपॉन, फिर इसको करेंगे ये हो जाएगा 3 आई स्क्वायर का पावर आएगा 5, तो 2 5 10 हो गया, एक बच रहा है 11 है, तो इंटू आई लिख देंगे माइनस 4 i raise to square का 5 हो गया, ओके, और उसके बाद ये माइनस 2 हो गया, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, देखो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा माइनस 1 का 4 माइनस 3 माइनस 1 का 4 इंटू आई प्लस 3 अपॉन ये हो जाएगा 3 माइनस 1 का रेस टू 5 इंटू आई 4 माइनस 1 का रेस टू 5 माइनस 2, सिंपल। खाली मैंने क्या किया, आई स्क्वायर की जगह ये वाले स्टेप में माइनस 1 पुट किया मैंने, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 माइनस 1 का रेस टू 4 माइनस 1 का रेस टू 4 कितना होता है, माइनस 1 का रेस टू 4 कितना होता है 1, क्योंकि माइनस 1 का पावर इवन है, तो हो गया 1 माइनस 3 हो गया 1 इंटू आई प्लस 3 अपॉन यहां पर 3 माइनस 1 का रेस टू 5
माइनस वन का रेस टू फाइव क्या हो गया, ये ऑड नंबर है ना, ऑड नंबर मतलब माइनस वन इंटू आई है कि नहीं, माइनस फोर, ये भी ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो क्या होगा, ऑड नंबर है तो ये क्या होगा, माइनस वन माइनस टू, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा, अब ये क्या होगा, देखो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा फोर वन जा फोर माइनस थ्री आई प्लस थ्री अपॉन माइनस थ्री आई प्लस फोर माइनस टू। देखो आप चेक कर लीजिए, आप चेक कर लीजिए मैंने क्या किया है, देखो फोर फोर माइनस थ्री आई प्लस थ्री है ना, देखो फोर माइनस थ्री आई प्लस थ्री, और नीचे थ्री इंटू माइनस वन इज माइनस थ्री आई प्लस फोर, माइनस माइनस प्लस फोर हो जाएगा और माइनस टू लिखा मैंने, समझा समझा इतना, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा फिर, क्या हो जाएगा सेवन, ये हो जाएगा फोर प्लस थ्री, सेवन माइनस थ्री आई अपॉन, ये हो जाएगा फोर माइनस टू इज हाउ मच, इट इज टू, फोर माइनस टू हो गया टू, और ये हो जाएगा माइनस थ्री आई। तो हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में आई नहीं होना चाहिए, तो ये क्या होगा टू प्लस थ्री आई अपॉन टू प्लस थ्री आई, टू प्लस थ्री आई अपॉन टू प्लस थ्री आई, और फिर हम लोग हमारा मल्टीप्लीकेशन करेंगे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का। मैंने हमेशा आपको बोला है जब भी आप कॉन्जुगेट लेते हैं, कॉन्जुगेट रैशनलाइज करते हैं, मतलब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो वहां पर आपको ए माइनस बी ए प्लस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिनोमिनेटर में मिलता है। तो ये क्या हो जाएगा सेवन माइनस थ्री आई इंटू टू प्लस थ्री आई अपॉन, ये हो जाएगा टू स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर आई स्क्वायर, है ना, है कि नहीं। तो मैं इसको डायरेक्टली ऊपर मल्टीप्लाई करता हूं ऊपर वाले स्टेप में, सपोज ये आपका ब्रैकेट था, ठीक है, ये आपका ब्रैकेट, ये ब्रैकेट, ये ब्रैकेट, ये ब्रैकेट, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा सेवन टू जा फोर्टीन ले लिया मैंने, ठीक है, सेवन टू जा फोर्टीन एंड सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन आई, ये हो जाएगा माइनस टू थ्री जा सिक्स आई, और ये हो जाएगा प्लस माइनस प्लस माइनस थ्री थ्री जा नाइन आई स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, अब ये होगा 14 प्लस टू आई माइनस सिक्स आई प्लस टू आई माइनस सिक्स आई, सेवन टू जा फोर्टीन सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन आए हैं, यहां पर 21 आए हैं, मैंने वन लिखा नहीं था, ठीक है। तो 21 आई माइनस 16 इज हाउ मच, इट इज प्लस 15 आई, और हो जाएगा माइनस नाइन इंटू माइनस वन अपॉन, ये हो जाएगा फोर माइनस नाइन इंटू माइनस वन, ये हो जाएगा 14 प्लस 15 आई प्लस नाइन अपॉन फोर प्लस नाइन, तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 14 प्लस नाइन इज हाउ मच, 14 प्लस नाइन इज हाउ मच, फोर्टीन प्लस नाइन चेतन 23, 23 प्लस 15 आई अपॉन 13, ठीक है। तो ये हो जाएगा 23 अपॉन 13 प्लस 15 अपॉन 13 आई, तो ये हो गया आपको ए का वैल्यू, ये हो गया आपका बी का वैल्यू, समझा समझा। माइनस वन माइनस माइनस प्लस हो गया ना बेटा, चलो इधर देखो, बता रहा हूं मैं, देखो वापस, ये फोर आई रेस टू एट है, तो आई स्क्वायर का फोर मतलब टू फोर जो एट ही होता है, आई रेस टू नाइन है तो स्क्वायर का रेस टू फोर, तो ये कितना होगा एट होगा, अभी इधर नाइन है तो एट बचने वाला, इसलिए इंटू आई लिखा है प्लस थ्री अपॉन सेम चीज यहां पर किया है आई रेस टू स्क्वायर का फाइव इंटू आई, और यहां पर आई रेस टू स्क्वायर का इंटू फाइव, क्योंकि टेन है यहां पर इलेवन है इसलिए एट बच गया। अब क्या होगा आई स्क्वायर इज माइनस वन, आई स्क्वायर इज माइनस वन, तो जहां पर भी आई स्क्वायर वहां पर माइनस वन पुट किया, फिर माइनस वन का पावर फोर है तो वन होगा, यहां पर भी वन होगा, यहां पर आई और ये थ्री, ये माइनस वन इज टू फाइव है तो माइनस वन होगा इंटू आई, ये होगा माइनस वन। अब ये क्या होगा फोर वन जब फोर लिखा मैंने, माइनस थ्री इंटू थ्री आई हो गया, प्लस थ्री हो गया, उसके बाद माइनस थ्री आई हो गया, ये माइनस माइनस प्लस फोर हो गया वहां पर देखो, और ये माइनस टू है, ठीक है। तो अब ये क्या होगा फोर प्लस थ्री सेवन, माइनस थ्री आई बचेगा, और ये फोर माइनस टू इज टू माइनस थ्री आई। अब इसका कॉन्जुगेट रैशनलाइज लेंगे
तो कॉन्जुगेट रैशनलाइज ले लिया मैंने, तो 2 + 3i 2 + 3i, और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 14, 7 2s are 14, 7 3s are 21i, फिर -3 × 2 = -6i, फिर माइनस प्लस माइनस, 3i × 3i = 9i², 3i × 3i 3 3 = 9i², तो उसके बाद क्या हुआ, ये a माइनस बी ए प्लस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो अब ये क्या होगा, 2 square और फिर -3 square i² लिखा मैंने। अब ये 14 है, 21 माइनस 6 करेंगे तो 15 बचेगा, ये आई स्क्वायर का वैल्यू -1 है तो ये माइनस माइनस प्लस 9 हो गया, यहां पर भी -1 है तो माइनस माइनस प्लस 9 हो गया, और फिर उसके बाद 14 + 9 = 23 + 15i / 13, और ये डिनोमिनेटर को अलग अलग किया तो ए और बी का वैल्यू मिला। इज दैट क्लियर एक्सरसाइज का? ये क्या होगा देखो, ठीक है, ये क्या हो जाएगा मैं आपको बताता हूं, मैं इसमें से कितना ये देखो, 92 90 88 86 84, 82 80 78 76 74, तो मैं आई कॉमन निकाल सकता हूं, मैं आई रेस टू, जो छोटा नंबर है, तो आई रेस टू 584 / i/574 मैं कॉमन निकाल सकता हूं, बराबर है, ओके। तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर क्या बचेगा, यहां बचेगा कितना बचेगा, 6 2 8, i^8 i/6 i/4 i² यहां 1 बचेगा, ठीक है, और यहां पर भी i^2 कितना बचेगा, 8 है ना, i^8 बचेगा, बराबर है, ओके। और ये हो जाएगा i^6 i^4 i² + 1, इसके आगे का मुझे नहीं लगता कि मुझे सॉल्व करने की जरूरत है, क्योंकि इसके आगे का तो आप लोग को आ जाएगा, सीधा कैंसिल हो रहा है ना, सीधा कैंसिल हो रहा है कि नहीं, तो ये तो सीधा कैंसिल हो गया, कैंसिल कैंसिल, i^584 और i^574, तो मैं ऐसा लिख देता हूं i², ओके, और i² यहां पे कितना आएगा, 5, तो ये हो जाएगा 2 है ना, 2 हो गया 1 8, 2 9 18, और ये हो गया 2 अपॉन, यहां पर क्या होगा, i² इज हाउ मच, दिस इज 2 1 7 2 8 16, और ये हो गया 7 2 7 14, तो ये क्या होगा, -1 का 292 इज इवन नंबर एंड -1 का दिस इज 287 ऑड नंबर, तो ये क्या होगा, -1 का इवन नंबर इज 1, और ये हो जाएगा -1, आंसर है इसका -1, आंसर है इसका -1, इज दैट क्लियर। i^37 + 1 / i^67, ये आपका क्वेश्चन है, i^37 + 1 / i^67, तो i^37 है, बराबर है, तो मैं इसका क्या कर सकता हूं, i² का 37 है ना, तो कितना होगा, i² का कितना होगा, ये बोलो 1 8 36 × i बचेगा, प्लस यहां पर 1 / i² का 67 है, तो कितना बचेगा, 33 × i बचेगा, है कि नहीं, × i बचेगा, तो ये हो जाएगा -1 का 18 × i, प्लस ये हो जाएगा 1 / -1 का 33 × i बचेगा, ठीक है, ठीक है, दिख रहा है इतना क्लियरली, यस दिख रहा है ना, हाँ, तो ये क्या होगा, -1 ये हो जाएगा -1 raised to 18, इवन नंबर है, तो ये हो जाएगा 1 × i, प्लस नीचे -1 का ऑड नंबर है, मतलब क्या होगा, 1 / -1 × i, ठीक है, ऐसा हो गया, तो अब ये क्या होगा, 1 × i will be i + 1 / -i, इज दैट क्लियर, ओके, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा i, ये हो जाएगा -1 / i, इज दैट क्लियर। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, या फिर मैं तो बोलूंगा यहीं पर मल्टीप्लाई डिवाइड बाय i कर लेंगे, ठीक है, ओके, यहीं पर, ठीक है,
तो ये हो जाएगा आई माइनस, ऊपर आई है और नीचे हो जाएगा आई स्क्वायर। मैं देखो यहां पर ही कर रहा हूं, अब आप बोलोगे कॉन्जुगेट ले लो, आई है तो माइनस आई अपॉन माइनस आई लोगे तो क्या होगा यार, माइनस माइनस कैंसिल ही होगा ना, ठीक है। तो रहने दो, जब भी सिंगल आई रहता है ना तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय आई ही करने का। तो ये क्या हो जाएगा, वन इंटू आई आई और ये हो गया आई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आई माइनस आई अपॉन आई स्क्वायर का वैल्यू होता है माइनस वन, ये हो जाएगा आई प्लस आई, आंसर इज टू आई। समझा क्या, समझा क्या, आपको समझ में आया, समझ में आया आपको? बहुत इजी था। देखो देखो वापस से बताता हूं मैं, आई स्क्वायर का 18 तो माइनस वन का 18 इंटू आई, माइनस वन का 33 इंटू आई, ये होगा वन, ये होगा माइनस वन, क्योंकि ये इवन नंबर है पावर में, ये ऑड नंबर है, देखो है कि नहीं। तो अभी क्या हो गया, वन इंटू आई प्लस वन अपॉन माइनस आई, माइनस प्लस माइनस हो गया। अब मैं क्या करूंगा, नीचे आई नहीं होना चाहिए, तो वही टर्म में मल्टीप्लाई डिवाइड बाय आई किया, तो वन इंटू आई आई हो गया, आई इंटू आई आई स्क्वायर हो गया, और ये आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन पे माइनस माइनस प्लस आई हो जाएगा, आई प्लस आई टू आई हो गया। प्रूव दैट वन प्लस आई रेज टू फोर एंड वन प्लस वन अपॉन आई रेज टू फोर इज इक्वल टू 16, ये आपको प्रूफ करना है, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है, ओके। तो मैं बेसिकली क्या सिखाता हूं बच्चे लोगों को, कि जब ऐसा पावर के हिसाब से दिया रहेगा ना, पावर के हिसाब से, तो आप उसको क्या करेंगे, देखो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। तो अब ये वन प्लस आई का रेस टू फोर और ये वन, मैं क्या कर रहा हूं देखो, मैं क्या कर रहा हूं, ये वन इंटू है ना, मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई, या फिर आप एलसीएम भी बोलो, वन इंटू आई आई प्लस वन अपॉन आई का रेस टू फोर, बराबर है। तो अब ये क्या होगा, देखो ये हो जाएगा वन प्लस आई का रेस टू फोर, आई एम टेकिंग वन प्लस आई का स्क्वायर का स्क्वायर, इधर पे भी वन प्लस आई का स्क्वायर है ना, इससे क्या होगा, कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। और नीचे है, नीचे है आई रेस टू फोर, देखो ऊपर ब्रैकेट रेस टू फोर आएगा, नीचे आई रेस टू फोर आएगा, ऊपर वाला ब्रैकेट रेस टू फोर को मैंने स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, देखो मैं साइड में यहां पे सॉल्व कर रहा हूं, यहां पर साइड में सॉल्व कर रहा हूं कि वन प्लस आई का स्क्वायर क्या होगा, तो वन प्लस आई का स्क्वायर होगा वन प्लस टू आई प्लस आई स्क्वायर, तो देखा वन प्लस टू आई, आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन, वन और माइनस वन गया, बचा टू आई, इसका मतलब ये है कि वन प्लस आई का होल स्क्वायर इज टू आई, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टू आई स्क्वायर के साथ ये ब्रैकेट का स्क्वायर, यहां पर भी टू आई ब्रैकेट का स्क्वायर अपॉन आई रेस टू फोर कितना होता है वन, आई रेस टू फोर वन होता है, तो ये क्या हो गया टू का स्क्वायर फोर आई स्क्वायर ब्रैकेट, ये हो जाएगा फोर आई स्क्वायर, फोर फोर का 16, आई रेस टू फोर, आई रेस टू फोर वन होता है, आंसर 16, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। चलो इधर देखो, अगर आई रेस टू माइनस 11 है तो आप इसको वन अपॉन आई रेस टू 11 कर दो, खत्म। और आप क्या करो, ऊपर नीचे आई मल्टीप्लाई करो, तो ये आई रेस टू 12 होगा, ऊपर आई बचेगा, आपको आंसर आएगा, समझ गया, ठीक है, ओके। अभी देखो मैं वापस इसको रिपीट कर देता हूं, वन प्लस आई का पावर फोर है, वन प्लस आई का पावर फोर, यहां पर मैं एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, वन इंटू आई प्लस वन, आई प्लस वन अपॉन आई हो जाएगा ब्रैकेट रेस टू फोर, तो ये ऊपर का स्क्वायर है और यहां पर भी स्क्वायर का स्क्वायर है अपॉन आई रेस टू फोर, ठीक है। अब ये क्या होगा, वन प्लस आई का स्क्वायर मैंने सॉल्व किया, यहां पर क्या होता है टू आई होता है, हमेशा याद रखियो, क्या होता है ना, ये आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन होता है और ये वन माइनस वन कैंसिल होकर टू आई बचता है, ठीक है। तो आपको टू आई बचा, तो टू आई का स्क्वायर का टू आई का स्क्वायर हो गया, यहां पे भी 2i का स्क्वायर हो गया, आई रेस टू फोर इज वन, ये हो गया फोर, टू का स्क्वायर फोर आई स्क्वायर, ये भी फोर आई स्क्वायर, फोर फोर का 16, आई रेस टू फोर, आई रेस टू फोर इज वन, आंसर इज 16, समझ गया सबको, समझ गया।